हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया T10 मैचेस चल रहे हैं और इसका अगला मुकाबला जो है ये होने वाला है IND वर्सेस SMI के बीच में। तो दोनों टीमों का लाइनअप जानेंगे और इंपॉर्टेंट प्लेयरों के बारे में जानेंगे, एक अच्छी सी विनिंग टीम बनाएंगे। उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे IND टीम के जो प्लेयर हैं उनकी पिछले करियर की परफॉर्मेंस के बारे में, उसके बाद जो कल मैच खेला गया था IND का उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए देखिए किस में सबसे पहले बात करते हैं IND टीम के ज्योतिमो साइकिया, एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, 181 रन बनाए हैं ठीक है 9 मैचों में। अगले प्लेयर हैं इधर से अभिषेक माथुर, 3 मैचेस खेले हैं इन्होंने, 64 रन बनाए हैं और 1 विकेट लिया है। अगले बैट्समैन होंगे यहाँ से कौशिक बाट्स, 116 रन 5 विकेट 9 मैचों में ठीक है। संतोष यादलापी, जिसके बारे में इनके बारे में ज़्यादा हमें रिकॉर्ड जानकारी मिल नहीं पाई। विनोद चंदीरा, अगर ये बंदा इस मैच में खेलता है तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट चॉइस होगी दोस्तों। 6 मैचों में 208 रन 5 विकेट है। ओपनर बल्लेबाज है हर्ष वर्धना, 12 मैचों में 359 रन 5 विकेट, वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है ये भी कैप्टन और वाइस कैप्टन ने यही से। हिमांशु पटेल, 138 रन 12 विकेट 11 मैचों में। अविनाश उपाध्याय, 84 मैचों में 1310 रन बनाए हैं भाई ने और 47 विकेट भी लिए हैं। अंदाजा लगा सकते हो कितना खतरनाक प्लेयर होगा हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों IND टीम ने जो कल मैच खेला था उसमें क्या रिजल्ट निकला था। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों INC का जो ने जो पहला मैच खेला था, अपन INC कहाँ है, INDA शायद। देखिए दोस्तों, हम लोग बात करें INDA टीम के पिछले परफॉर्मेंस की, तो इन्होंने एक मैच एक रन से यह मैच जीत लिया था। 10 ओवर में इन्होंने पहले खेलते हुए 71 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर। दीपंजय देव ने शानदार 27 रन की पारी खेली थी, 13 बॉलों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से ठीक है। तो ये मैच जो है INDA ने एक रन से जीता था ठीक है। अगले बल्लेबाज अरिजीत घोष, 6 रन बनाए इन्होंने ठीक है। गोविंदर सिंह 9 रन और सचिन हीरामत 14 गेंदों में 15 रन ठीक है। बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं, तो बॉलिंग सेक्शन में इधर से सचिन हीरामत ने 1 विकेट लिया, संजय कुमार ने 1 विकेट लिया दोस्तों ठीक है। इधर से ये 2 पिक अच्छे पिक रहे हैं ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी हमारी जो टीम है उसकी, बात करें स्टॉक और मुंबई इंडियंस CC की तरफ से, तो इधर से जो ओपनर है वो होंगे रोहित और पी सांखले ठीक है। इधर के जो अगले बैट्समैन है टीवीसैन, उन्होंने 24 मैचेस खेले हैं, 686 रन और 4 विकेट। अगले यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे एस महाजन, 26 मैचों में 257 रन और 24 विकेट ठीक है। आर धाजे भी इधर से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अभी बताऊँगा मैं आपको, पिछले मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने ठीक है। एस कालजी ठीक है, और एन पांडे, निखिल पांडे जो हैं ये ओपनिंग पर भी आ सकते हैं ठीक है दोस्तों, क्योंकि T10 के मुकाबले हैं ये भी ऊपर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब जान के देखेंगे पिछले मैचों में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। SMI टीम की यदि बात करें दोस्तों, तो इसकी हालत बहुत बुरी रही थी ठीक है। 10 ओवर में केवल 44 रन बना पाई थी ठीक है, तो 123 रनों का पीछा करती हुई, तो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस रही थी। एक भी प्लेयर ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, ऋतुराज ने केवल 11 रन बनाए, उससे अलावा कोई भी दहाई का कोई भी 10 से ऊपर रन भी नहीं बना सका। बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो इधर से जो बेस्ट बॉलर रहे थे ये रहे थे दर्शन लखानी 2 विकेट, सुशांत कदम 1 विकेट, चंद्रशेखर ने तो कुछ लिया ही नहीं ठीक है दोस्तों। SMI टीम की अगले मैच की बात करें, तो इसमें भी इसकी हार हुई थी ठीक है। निखिल पांड्या ने इसमें ओपन किया था, 99 रनों का पीछा करते हुए केवल 67 रन ही बना पाए थे ये ठीक है। प्रतीक शाकले, इसके जो बैट्समैन है इस तरफ से, लेकिन ये फ्लॉप रहे हैं दोनों मैचेस में ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में यदि हम देखें, तो बॉलिंग सेक्शन में इधर से दर्शन लखानी ने 3 विकेट लिए, इस बंदे को आपको टीम में लेना ही होगा, पिछले मैच में 2 इसमें 3 ठीक है। अविनाश डोंगे 1 विकेट इसमें 1 पिछले में लिया था, तो ये भी सही है। अब बात करते हैं INC टीम के दूसरे मैच की, तो दूसरा मैच INC टीम हार गई थी, पहला जीती थी ठीक है। दीपंजय देव ने 14 रन बनाए थे इसमें, इमरान खान ने 22 ठीक है, एस मुरली जो थे इन्होंने 12 ठीक है, और किसी ने इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया नहीं। अब बॉलिंग सेक्शन में देखें, तो बॉलिंग सेक्शन में केवल दीपंजय देव ने 1 विकेट लिया ठीक है। अब बात करेंगे हम ड्रीम टीम की, उम्मीद करता हूँ आपको जो भी एनालिसिस बताया मैंने आपको वो समझ में आया होगा, ये समझ में आया हो
तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखेंगे हमारी ड्रीम टीम। देखिए विकेट की भी सेक्शन से दो प्लेयर, तीन बैटिंग सेक्शन से, तीन ऑलराउंडर और तीन बॉलर। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो दीपंजन देव को वाइस और डी लखानी को कैप्टन। ठीक है, टीम प्रीव्यू देख लीजिए, ये है टीम प्रीव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।